अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, शादी एक बाहमी तल्लुक है जिसमें मियाँ और बीवी दोनों को ही एक दूसरे का साथ निभाना होता है, एक दूसरे की तकलीफ़, खुशी और ज़िंदगी का हिस्सा बनना पड़ता है। लेकिन औरत मार्च के बाद बहुत सारी ख़वातीन ने इस बात को बहुत बड़ा मसला बना लिया है कि हम अपने शौहर के काम नहीं करेंगी, शौहर अपनी किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा लेकिन हम कुछ नहीं करेंगी। शोबिज़ में ऐसे कई नाम हैं जो इस पॉलिसी पर अमल करते नज़र आते हैं। मज़ीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टॉप TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, नादिया हुसैन। मॉडल अदाकारा नादिया हुसैन को तो लोग हर मैदान में बाकमाल पाते हैं। वो बेहतरीन ब्यूटीशियन, मॉडल हैं, अदाकारा हैं और माँ भी हैं। लेकिन जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने शौहर के काम करती हैं, तो नादिया ने फौरन कहा कि मैं इनके काम क्यों करूंगी, ये कोई बच्चा है जिसे संभालूं, वो खुद अपने काम कर सकता है। इस वक्त नादिया के शौहर भी वहीं मौजूद थे और वो इस बात पर मुस्कुराते रहे। नादिया हुसैन का मानना है कि जब औरत घर और नौकरी संभाल सकती है तो मर्द भी कर सकता है, इसलिए मैं मियाँ की खिदमत कभी नहीं करूँगी। नंबर 2, इफ़त उमर। इफ़त उमर अपने डिजिटल शो में जब किसी मेहमान को बुलाती हैं तो औरत मार्च के हवाले से सवाल ज़रूर करती हैं। इफ़त औरत मार्च की एक बहुत बड़ी नुमाइंदा हैं, लेकिन वो ये भी चाहती हैं कि जिसका भी इंटरव्यू करें वो इनके साथ हाँ में हाँ मिलाए। ईमान अली ने तो ये साफ कह दिया कि मैं समझती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर औरत खाना गर्म करके देगी या रोटी पका कर देगी, मर्द की कुर्बानियाँ का भी सोचा करें। इफ़त उमर ने तो ये अहद किया है कि प्यार अपनी जगह लेकिन मियाँ की खिदमत नहीं करेंगी। नंबर 3, आयशा उमर। मॉडल अदाकारा आयशा उमर को भी इन लोगों पर हैरत होती है जो शादी ही इसी मकसद से करते हैं कि घर में कोई काम करने वाला नहीं। इनके नज़दीक औरत और मर्द दोनों ही बराबरी से ख्वाब देखते हैं, तो फिर एक पर पाबंदियाँ क्यों हैं? आयशा उमर का तो कोई इरादा नहीं कि वो अपने शौहर की खिदमत करें या इनके लिए खाने गरम करें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।